हे गाइस, वेलकम बैक टू संजय स्टाइल व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लिविंग एरिया का मेकओवर किया है दिवाली के लिए और अपने लिविंग एरिया को दिवाली के लिए सजाया है। तो चलिए देखिए कि मैंने कैसे अपने लिविंग एरिया को सजाया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो इसके लिए मैं एक कैंडल लाइट होल्डर, जो कि मेरा एक ग्लास का बाउल है, और उसमें मैं रख रही हूँ एक फ्लावर और एक टी लाइट जो होती है वो। तो ऐसे आप ग्लास के बाउल्स में कोई भी कैंडल रखोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। तो लिविंग एरिया में सबसे पहले आते हैं सेंटर टेबल पे। तो सेंटर टेबल आपने देखा होगा मेरा स्क्वायर शेप में है, और इस पर मैंने ये रखा है रंगोली का, जो आप इसको बोल सकते हो टी लाइट होल्डर, या जिसके बीच में मैंने टी लाइट रखी है और जो रंगोली टाइप कुछ मैंने बनाया, DIY किया है। तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप देख लेना। और इसके साथ में रख दिया मैंने दो कैंडल लाइट्स होल्डर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सेंटर टेबल पे क्या रखा है। दो मैंने ये कैंडल लाइट्स रखी है, कैंडल लाइट होल्डर जो ब्लू कलर की है, और बीच में मैंने ये DIY किया हुआ रंगोली रखा है, और उसके साथ में मैंने रखा है ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा। तो ये है। तो सेंटर टेबल पे दिवाली के टाइम पे आप ड्राई फ्रूट्स के, मतलब अलग अलग कंटेनर या फिर आपके पास में ऐसे बॉक्स हैं तो वो रख सकते हो, और साथ में ही ऐसी रंगोली टाइप कुछ आप रखिए तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसे वाले पीस। और साथ में रख दीजिए कैंडल लाइट होल्डर, या फिर आपके पास में दिया है तो एक दो दिया रख के आप डेकोरेट कर सकते हो, या फिर कोई और आपके पास में कैंडल लाइट होल्डर्स है वो रख सकते हो। तो कैंडल्स या दिया जरूर रखिए। और अभी सामने ही लिविंग एरिया में मेरी है ये TV यूनिट, जो कि आप देख सकते हो ऐसी दिखती है कुछ। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सामान रख सकती हूँ, क्योंकि ऊपर हमारा TV आ जाता है और TV यूनिट और TV के बीच में स्पेस थोड़ा कमी है, तो कोई ज़्यादा सामान रख नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो अभी बाउल में रखी थी टी लाइट्स वो रखी है, बीच में मैंने ये रंगोली रख दी है रेक्टेंगुलर शेप की, जो कि मैंने DIY की थी। और ये हमारा TV यूनिट का लुक कंप्लीट होता है। मैं TV यूनिट पे अभी इतना ही सामान रख रही हूँ। तो दोनों साइड में मैंने रख दिए टी लाइट्स, और बीच में रंगोली, और उसमें भी एक रखी है टी लाइट। और अभी आता है मेरे सोफे के पीछे जो कॉर्नर आपने देखा होगा, इसका मैंने पहले भी एक जेन कॉर्नर क्रिएट किया था, जिसका वीडियो मैं डाल रखा है अपने चैनल पर, उसको आप देख सकते हो। तो ये एक डिफ्यूज़र रखा है, ये रखने, मतलब ये डिफ्यूज़र रखने की जगह है, मतलब यही है जहाँ पर एक स्विच बोर्ड है जहाँ पे मैं इसको लगा सकती हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। और इसके साथ में बुद्धा जी रखे हुए हैं, जो पहले से रखे हुए थे, उनको मैंने नहीं हटाया है। और इसके साथ में ही मैंने दो दिए रख दिए हैं, जो कि मैंने डेकोरेट किए थे, और ये कॉर्नर पे। तो अभी इसमें थोड़ी सी ग्रीनरी और ऐड कर देते हैं, तो ये वाले कॉर्नर को कम्प्लीट लुक देने के लिए मैंने दिए रखे हैं, और साथ में ही एक मैंने मनी प्लांट रख दिया है, जो कि मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ है मिट्टी में, और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये, बहुत ही प्यारा सा है। तो लाइट्स के साथ में ग्रीनरी, और साथ में बुद्धा जी, और साथ में रख दिए मैंने दिया जो कि डेकोरेट किए हुए थे। तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है दिवाली के लिए लाइट्स वाला, क्योंकि दिवाली में लाइट्स मेन होती है। तो हर जगह मैंने लाइट्स रखी है हर एक कोने में, जिससे कि हर एक कोना बहुत ही अच्छा लगे दिवाली के लिए, बहुत ही सुंदर लगे। और अब है मेरी ये शेल्फ, कॉर्नर शेल्फ, आप लोगों ने देखी होगी ये। तो इसके ऊपर मैंने एक ये DIY मैंने बोतल DIY किया था, बनाया था, और उसमें मैंने फ्लावर्स डाल रखे हैं। साथ में ये कपल जो है ये रख दिया है, और ये वाला एक जो शेल्फ है वो खाली है, इसमें मैंने रख दिया है एक टी लाइट होल्डर, जो कि गोल्डन कलर का है, और उसमें मैंने रख दी है एक टी लाइट। और ये मेरा कॉर्नर वाला लुक पूरा कंप्लीट होता है दिवाली के लिए लिविंग एरिया का। एक जो कॉर्नर है मेरा, ये भी कंप्लीट होता है, और उसके ऊपर मैंने लाइट्स लगा रखी है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और अब मैं जो मेरा एरिका पाम रखा हुआ है मैंने लिविंग एरिया में, एरिका पाम जो प्लांट है वो, तो उसके साथ पॉट के साथ में मैं रख दूंगी ये मेरे जो डेकोरेट किए थे मैंने दिए वो रख दूंगी, और इसका लुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके एरिका पाम पे मैंने LED जो फेरी लाइट्स है वो डाल रखी है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो आपको बहुत महंगी महंगी चीज़ें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने घर को सजा सकते हो दिवाली के लिए। तो मैंने तो अपने घर को ऐसे सजाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए एरिका पाम पे कितनी अच्छी लग रही है ये फेरी लाइट्स। और अब आ जाते हैं सोफ़ों पे। तो सोफ़े जो है मेरे आप देख सकते हो, और इस पे मैंने डाल दिया है रेड कलर का बनारसी दुपट्टा मेरा, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फेस्टिव लुक आ रहा है। बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है ये, आप देख सकते हो रेड एंड गोल्डन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरा अभी लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने ये सोफ़े पे ऐसे लगाया है, ये देखिए। और इसके ऊपर जो है बीच में मैं रख दूंगी एक कुशन। तो अभी मैं आपको कुशन दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखे हैं। बहुत ही कलरफुल से मैंने कुशन रखे हैं, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाए थे और मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे। तो ये है मेरे कलरफुल कुशंस जो कि मैंने मंगवाए थे, और अभी मैंने लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर में मैंने ये थोड़ा येलोइश कलर का जो कुशन है वो मैंने डाला है, और दोनों साइड में मैंने दो दो कुशन रखे हैं। और अभी आप देखिए कि पूरे सोफे का लुक कितना अच्छा आ गया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि अंधेरे में हमारा घर जो है दिवाली के टाइम पे कैसे लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एरिका पाम था जिसपे मैंने एलईडी लाइट्स लगाई हुई थी, और इधर ये झूमर जो मैंने डीआईवाई किया था, और ये लग रहा है हमारा टीवी यूनिट जिसपे मैंने ये कैंडल्स और ये इससे सजाया है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और उसके ऊपर से मैंने ये लाइट्स पूरे लिविंग एरिया में लगा दी है, और इसके साथ में ही एक ये लैंटर्न है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, और इसमें वाइट और रेड कलर की लाइट्स जलती है। उसके साथ में डोर जो है उस पर मैंने लगा दी है एक माला गेंदे के फूलों के, मतलब आर्टिफिशियल है ये, और उसके ऊपर से ये लाइट्स जा रही है पूरी लिविंग एरिया में। तो आप देख सकते हैं कि लाइट्स में पूरा मेरा लिविंग एरिया कैसा लग रहा है। और एक ये है कॉर्नर पीछे का, सोफे जहाँ रखे हैं उसके पीछे का कॉर्नर। तो ये है मेरे लिविंग एरिया का मेकओवर जो मैंने दिवाली के लिए किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो चलिए बाय बाय।